आज स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर की स्मृति में स्थापित किए गए लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक आज शाम 5 बजे मुंबई के षण्मुखानंद हॉल में आयोजित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ की आज 80वीं पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी कि आज वो इस सम्मान को प्राप्त करने मुंबई आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वे लता दीदी के नाम से जुड़े इस सम्मान को प्राप्त करके बहुत आभारी हैं। लता दीदी ने हमेशा एक मजबूत समृद्ध भारत का सपना देखा और राष्ट्र के निर्माण में योगदान दिया। 6 फरवरी को लता दीदी का 92 साल की उम्र में स्वर्गवास हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई पहुंचकर लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी थी। प्रधानमंत्री मोदी लता मंगेशकर को अपनी बड़ी बहन मानते थे। वह अक्सर लता मंगेशकर से मुलाकात करने उनके आवास पर आया करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा यह पुरस्कार 4 और कैटेगरी में दिया जाएगा। अभिनेत्री आशा पारेख और अभिनेता जैकी श्रॉफ को सिनेमा में उनके योगदान के लिए मास्टर दीनानाथ स्पेशल ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारत संगीत के लिए राहुल देशपांडे को मास्टर दीनानाथ पुरस्कार, संजय छाया को नाटक के लिए बेस्ट ड्रामा अवार्ड दिया जाएगा और मुंबई डब्बावाला को मास्टर दीनानाथ आनंदमयी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हर वर्ष दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड का आयोजन होगा और ये सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जिसका राष्ट्र के निर्माण में अनुकरणीय योगदान होगा। इस पुरस्कार के बारे में ऐलान करते हुए मंगेशकर परिवार और मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट ने ये घोषणा की थी कि उन्होंने लता मंगेशकर के सम्मान और स्मृति में इस वर्ष से पुरस्कार की शुरुआत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।